प्यारे बच्चों, हम लोग पाठ आठ पढ़ लिए भक्ति के पर। अब इसके बाद आगे हम लोग पढ़ रहे हैं पाठ दस, हिंग वाला सुभद्रा कुमारी चौहान। इसकी लेखिका है, हम लोग पढ़े थे पाठ में जो हम पहले कुछ भी आपको बताए थे उसको संक्षेप में हम बताते हैं। हिंग वाला ये शीर्षक है पाठ का। हींग एक प्रकार का मसाला है जो बहुत पहले हमारे देश में अफगानिस्तान से लोग हींग बेचने के लिए आते थे, चना बेचने आते थे। वो विशेष प्रकार का बड़ा बड़ा चना, जिसको अभी भी हम लोग काबुली चना कहते हैं। तो पहले वो अफगानिस्तान में ही होता था, उसकी राजधानी काबुल है, तो वहां से लोग आते थे, इसलिए काबुली चना भी नाम पड़ा उसका। तो हींग वगैरह जो अपने देश में नहीं वहां होता था उसका व्यापार करते थे, समय समय पर यहाँ आते थे बेचने के लिए और फिर अपने देश चले जाते। तो इस कहानी का नायक भी हींग वाला एक खान है जो अफगानिस्तान से यहां अपने देश हींग बेचने आता था, और यह एक अच्छा सज्जन व्यक्ति। हम बता रहे थे कि हर एक धर्म में, हर एक जाति में, हर एक समाज में अच्छे बुरे दोनों लोग होते हैं, और जो अच्छे लोग हैं वो हमेशा अच्छे ही रहते हैं। प्रायः लोग, अच्छे लोग अपनी अच्छाई को, अपनी सज्जनता को किसी भी परिस्थिति में त्यागते नहीं, चाहे कितनी विपरीत परिस्थिति आए, अच्छे लोग अपनी सज्जनता को त्यागते नहीं है। और ऐसे लोग हर एक धर्म जाति देश में होते हैं। इस कहानी में यह नायक, कहानी का नायक खान हींग वाला भी ऐसा ही एक सज्जन व्यक्ति है जो यहाँ अपने देश में आकर किसी विपरीत परिस्थिति में, एक दंगे में, सांप्रदायिक दंगे में फंस जाता है, और वह उसको बचाता है जो उनके साथ घृणापूर्ण व्यवहार। इस कहानी में यही है। कहानी इस प्रकार है कि हींग वाला फेरी लगाकर हींग बेच रहा है। वह आवाज लगाता है, अम्मा हींग लेगा, अम्मा हींग लेगा, ऐसा कहता हुआ वह घूमता है हींग बेचने के लिए। यह लगभग 35 साल का है। आज वह एक गांव में आया है हींग बेचने, और इस प्रकार आवाज लगाते हुए वह एक आंगन में जाकर रुक जाता है। उसके पीठ पर पोटली जिसमें हींग है, छोटे बड़े डब्बों में, वह नीचे खोल कर रखता है, और उस घर के एक तरफ आंगन में मौलश्री का पेड़, मौलश्री एक विशेष प्रकार का पुष्पीय पेड़ है जिसमें कि फूल सुगंधित लगते हैं, सफेद सफेद उजला उजला फूल, जिसके तने के पास, जड़ के पास चारों तरफ चबूतरा बना है बैठने के लिए। वह उसी चबूतरे पर आकर बैठ जाता है और बड़े अपनेपन से विश्वास के साथ आकर वहां बैठता है। तब तक उस घर के अंदर से, बरामदे के भीतर से एक 9-10 बरस का एक बालक दौड़कर निकलता है खान की आवाज सुनकर, और उपेक्षा की दृष्टि से वह खान को देखकर कहता है, अभी कुछ नहीं लेना है, जाओ जाओ। लेकिन खान भला क्यों जाने लगा, वह जरा और आराम से बैठ जाए, और अपने साफे से हवा करते हुए वह वहीं से आवाज लगाता है, अम्मा हींग ले लो, अम्मा हींग ले लो, अम्मा हम अपने देश को जाता है, बहुत दिनों में लौटेगा। अब जिसके घर में वह आया है वह सावित्री का घर, सावित्री की उम्र भी खान के आसपास ही है, हम उम्र है दोनों, और सावित्री और खान में ऐसा संबंध है मानो मां बेटा ही।
सावित्री मानो हम उम्र के इस बेटे से बड़ा प्यार करती, बहुत स्नेह है, और इसलिए सावित्री कभी कभी भी खान की बात को टालता है। वह जब भी सावित्री के यहाँ हीम बेचने आता है तो सावित्री उससे अवश्य ही कुछ ना कुछ हीम लेती है, चाहे हीम की जरूरत हो या ना हो। सावित्री तब तक हाथ धोकर घर से निकलती है, रसोई घर से, और बाहर आती है और बाहर आकर खान को देखती है और खान से बोलती है कि हीम तो बहुत सी रखी है खान, अभी 15 दिन भी तो हुए नहीं जब तुमसे हमने हींग ली थी। मानो जैसे खान ने सावित्री की बात को सुनाई और फिर अपने ही स्वर में आगे बोलता गया। उसने कहा, माँ हेरा हींग है, हेरा, हेरा मतलब शुद्ध, एकदम शुद्ध हींग है माँ, हम तुम्हारे हाथ की बस बोहनी मांगता है। बोहनी कहते हैं पहली बिक्री। दुकानदार जब अपना दुकान खोलते हैं तो पहले ग्राहक को बड़ा महत्व देते हैं, जो पहला ग्राहक आते हैं उसको बड़ा शुभ मानते हैं, उसको सस्ता महंगा कुछ भी जैसे भी हो उसको दे देते हैं। और कोई ऐसा व्यक्ति जो जिसको दुकानदार बड़ा भला समझता है, अच्छा समझता है, या मान्यता है उसके मन में, धारणा बन गई है कि इस व्यक्ति के खरीदने से दिन के शुरुआत में तो व्यापार उस दिन का अच्छा होता है, तो वो अवश्य ही उनको बेचना चाहता है, उसमें लाभ नहीं देखता। तो बोहनी मतलब पहली बिक्री। तो खान भी यही सोच कर आया, वह सावित्री के बारे में वह जानता है, उसके मन में यह धारणा बनी हुई है कि यदि सावित्री ने यदि हींग खरीद लिया पहली बार, बोहनी कर लिया, तो उस दिन का व्यापार अच्छा होगा, अच्छा बिकेगा, अच्छा लाभ मिलेगा। इसलिए वह कहता है, हेरा हींग है माँ, एकदम शुद्ध हींग है, हम बस हम तुम्हारी हाथ की बोहनी मांगता है, एक ही तोला ले लो, पर लो जरूर, हम देकर जाएगा तुम। इतना कहकर खान ने हींग के छोटे बड़े कई डिब्बों को खोलकर आगे आगे रख दिया अपनी पोटली में से। उन छोटे बड़े डिब्बों में अलग अलग प्रकार का हींग था, जो सबसे शुद्ध अच्छा हींग था उसको सामने खोलकर सावित्री की बातों पर कोई ध्यान नहीं देते हुए उसने बड़ी शीघ्रता से अच्छे हींग वाले एक डब्बे को खोलकर सावित्री के सामने सरका दिया और बोला, तुम और कुछ मत देखो माँ, कुछ मत देखो, मैं जो कह रहा हूं उसको सुनो, यह हींग एक नंबर का है, एकदम हेरा हींग है, हम तुमको धोखा नहीं देगा। या अपनी तरह हिंदी को बोल रहा है अपनी भाषा में, हम तुमको धोखा नहीं देगा। सावित्री बोली, पर खान मैं इतनी हींग लेकर करूंगी क्या, अरे ढेर सारी हींग पहले से रखी हुई है। खान ने फिर कोई उनकी बातों पर बिना ध्यान दिए खान बोला, अरे कुछ भी ले लो अम्मा, हम देने के लिए आए, घर है पड़ी रहेगी, फिर आज हम अपने देश को जाता है, आज मैं बेचकर अपने देश चला जाऊंगा, खुदा जाने कब लौटूंगा, इसलिए कुछ भी तो ले लो ही अम्मा, और एक नंबर का ही। अब उसने सावित्री, इतना कहने के बाद उसने फिर सावित्री के किसी उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की, बस वह हींग निकालकर डब्बे से तौलने लगा देने के लिए, वह डब्बों से हींग निकालकर तौलने लगा। उसने सावित्री पर कोई ध्यान नहीं दिया, बस बच्चे वहीं खड़े थे, बच्चे इस बात पर बड़े नाराज, बच्चे एक बच्चे ने तो पहले निकलकर कहा कि जरूरत नहीं है चले जाओ, अब माँ लेना भी नहीं चाह रही है, बच्चे देख रहे हैं ना जरूरत है ना माँ चाह रही है,
और यह जबरदस्ती आकर बैठ गया घर, और आकर बैठ तो गया तो गया, अब जबरदस्ती नहीं कहने पर भी तोले जा रहा है, दिए जा रहा है, ये बच्चों को अच्छा नहीं लग रहा है। इस पर सावित्री के बच्चे जो वहां तीन बच्चे थे बड़े नाराज हो गए, सभी बोल उठे मत लेना मां, तुम कभी ना लेना, जबरदस्ती तोले जा रहा है। धन्यवाद, इसके आगे हम फिर आगे बताएंगे।